हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुरजीत बायोलॉजी टिक्स बायोलॉजी में डीजे। आज हम बात करेंगे फाइलम प्लेटी हेलमिथिस को याद करने की बहुत ही आसान से ट्रिक के बारे में, जो कि यूजफुल है नीट एम्स और केवीपीवाई के लिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड है। मैंने बाहर से कोई पॉइंट नहीं ऐड किया, तो आइए देखते हैं। दोस्तों, प्लेटी हेलमिथिस को याद करने से पहले एक तरीका जान लें। बस ये याद कर लेगा कि एक आदमी है जो फ्लेम नाम का गेम खेलता है, अगर वो हार जाए तो उसके घर के अंदर सब लोग घुसेंगे, उसका घर कब्जा कर लेंगे, ठीक है ना। तो कैसे याद करेंगे इसको? आफत बोए हो, क्या है आफत, मतलब मुसीबत, बोए हो या बो हो लिख लो, बो हो, आफत बोए हो। अब फ्लेम हरा के, फ्लेम नामक गेम है, अब फ्लेम हरा के, अब फ्लेम हरा के अंदर ला दोगे, अंदर ला दोगे। तो एक सेंटेंस आराम से याद कर लेंगे कि आफत बो हो, अब फ्लेम हरा के अंदर ला दोगे, ठीक है ना। इसको कैसे डिकोड करेंगे दोस्तों? आफत को पहले हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। ए आफत हो जाएगा AFT, बो हो जाएगा BO, ठीक है, हो जाएगा HO, AB, ठीक है। फिर हरा के अंदर ला दोगे, ठीक है, ठीक है ना। तो ऐसे याद कर लेंगे कि आफत AFT, बो हो, अब फ्लेम हरा के अंदर ला दोगे, ठीक है। अब देखो कैसे इसको डिकोड करेंगे। एस हो जाएगा दोस्तों ए सिलोमेट, क्या हो जाएगा ए सिलोमेट, और एफ से सब जानते क्या हो जाएगा, प्लैटी मतलब होता है फ्लैटी, मतलब फ्लैट, प्लैटी फ्लैटी से मेरा लग रहा है। तो याद कर लेंगे इसे क्या बोलते हैं, फ्लैट वर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लैट वर्म, ठीक है। फिर टी से क्या हो जाएगा दोस्तों, तीन लेयर होती है बॉडी की, तो क्या होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक्टो भी होती है, मीजो भी होती है और एंडो होती है, इसलिए से क्या बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। आगे आई बात करते हैं, बो ओ मतलब क्या होता है, बी मतलब क्या हो जाएगा, बी से क्या हो जाएगा दोस्तों, बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री, और बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनके बॉडी में ऑर्गन बन जाते हैं इसलिए बोलते हैं ऑर्गन लेवल, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन याद कर लेंगे। कई बार पूछा हुआ है कि किसमें ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, तो प्लेटी हेलमिंग्स में बन जाता है। फिर एच ओ से क्या हो जाएगा दोस्तों, हुक्स एंड सकर्स, इनमें हुक्स भी पाए जाते हैं एंड सकर्स भी पाए जाते हैं, सकर्स पाए जाते हैं। फिर ए बी क्या हो जाएगा दोस्तों, ए मतलब क्या हो जाएगा, अब्सॉर्प्शन, अब्सॉर्प्शन, किसे, ऑन बॉडी सर्फेसेस या बाय बॉडी सर्फेसेस, तो बॉडी सरफेस के द्वारा अब्सॉर्प्शन होता है। अपना खाना ये नहीं बनाते हैं, दूसरों की आंतों में रहते हैं, उनके पचे पचाए खाने को ये अब्सॉर्ब करते हैं और अपनी ज़िंदगी पूरी करते हैं, ठीक है ना। फिर फ्लेम से क्या हो जाएगा, फ्लेम से फ्लेम सेल्स होती हैं इनकी बॉडी में, ये इनका स्पेसिफिक कैरेक्टर है, इनमें फ्लेम सेल्स होती हैं, फ्लेम सेल्स, जिनका काम क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन मतलब गंदगी को बाहर करना, जो हमारी बॉडी में किडनी करती है वो ये भी करता है, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, एंड एक्सक्रीशन, ये सारे के सारे काम ये करती है कौन, फ्लेम सेल्स। फिर आगे हरा के, हरा के से बहुत आसान है, हरा और हर ऐसा लग रहा है, हर्माफ्रोडाइट, तो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, हर्माफ्रोडाइट का मतलब आपको पता ही होगा अगर मेरे वीडियोज़ देखते होंगे, मतलब सेक्सेस नॉट सेपरेट, सेक्सेस नॉट सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, मतलब एक में ही मेल और एक में ही फीमेल, उसी में उसी बॉडी में मेल होता है, उसी बॉडी में फीमेल होता है। फिर बात बात करेंगे अंदर, मतलब अंदर मतलब फर्टिलाइजेशन कैसा, इंटरनल, तो अंदर मतलब होता है इंटरनल, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है। फिर आगे ला दोगे, इधर लिख देते हैं दोस्तों, ला दोगे इधर डिकोड करते हैं, ला दोगे। अब ला से क्या हो जाएगा, लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होती कौन सी, लार्वल स्टेज, तो लार्वल स्टेज प्रेजेंट,
प्रेजेंट, जिससे क्या प्रूफ होता है, डायरेक्ट कैसा डेवलपमेंट कैसा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, जिनमें भी मैंने बताया है कि जिनमें भी लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी उनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट हमेशा इनडायरेक्ट कराएगा, ठीक है, इनडायरेक्ट, या एग स्टेज प्रेजेंट जिनमें अंडे देंगे जो लोग उनमें भी डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। और दोगे मतलब क्या होता, दोगे मतलब होता है दुगेसिया, दुगेसिया जानते होंगे आप, दुगेसिया या जिसे बोलते प्लेनेरिया, इसकी खासियत क्या है, यह हाईएस्ट रीजनरेटिंग पावर होती है, इसमें हाईएस्ट मैक्सिमम रीजनरेशन पावर होता है, तो मैक्सिमम या हाईएस्ट, हाईएस्ट रीजनरेशन में पाया जाता है, रीजनरेशन पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा बहुत ही आसान सा तरीका प्लेटे हेलमिंथीज की सारी ट्रिक एनसीईआरटी बेस याद करने का। आइए लास्ट से बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स, जो कि सिर्फ एनसीईआरटी बेस, जो सिर्फ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो उसका तरीका मैंने निकाला है तीफा ताली, क्या निकाला है, तीफा ताली, हो जाएगा टी फा ताली, ताली ली, ऐसे लिख लेंगे टीफा और ताली। ये है क्या टीफा ताली, टी मतलब क्या होता है, टीनिया, टीनिया, और फा मतलब फैसियोला, इनका दूसरा नाम क्या है, इससे बोलते टेप वर्म, टेप वर्म, इसे बोलते लिवर फ्लोक, लिवर फ्लोक, ठीक है। तो आप लिवर फ्लोक में देख सकते हैं यहाँ पर हुक्स होते हैं जिन्हें स्कोलेक्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्कोलेक्स, और यहाँ पर सकर्स होते हैं इससे बॉडी में अटैच हो जाते हैं, ये पूरी पूरी बॉडी जो होती है वो दूसरे के फूड को अब्जॉर्व करती है, और सकर से ये सक भी करते हैं, अपने आप अटैचमेंट में ये यूज़ होता है, इसमें ये भी अटैचमेंट में यूज़ होता है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल दोस्तों, टीनिया फैसियोला का दूसरा नाम क्या, लिवर फ्लोक, और इसका दूसरा नाम टेपवर्म। दोस्तों ये थी बहुत ही आसान से ट्रिक प्लेटे हेलमिंथ्स को याद करने के लिए, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घर पे ही बैठें, कोरोना वायरस से बचे रहें, थैंक यू।